तुम्हारे व्लॉग्स फेक लग रहे हैं। प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी सुबह के इट्स अराउंड 10:40 ऐसा कुछ होगा। एंड जिस दिन जिस मंगलवार को ना पान रहता है ना, मुझे उस मंगलवार को पूजा देने में एक अलग ही खुशी होता है। सभी का अलग अलग होता है ना, तो मुझे बहुत मुझे लगता है हाँ आज पूरा पूजा संपन्न हुआ। पर ऐसा कोई बात नहीं है, पर जैसे मैं बोलती हूँ सभी का एक अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है। एंड हाँ, आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे कि शौमिक कैसे है, तो मैंने जब वीडियो एंड किया था ना, दैट टाइम मैं बोल रही थी ना, इट वॉज अराउंड 7 o'clock, तो उसके बाद ना शौमिक मुझे बोल रहे थे शौमिक एंड राय ना, वो लोग ऊपर आ गए, देवर वॉचिंग सम स्टार वॉर्स। एंड मैं ना नीचे से शौमिक के साथ बात कर रही हूँ, शौमिक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो मैंने राय को बोला कि राय बाबा क्या कर रहे हैं? राय इज मम्मी बाबा तो फुल सो गए हैं। तो फिर मैंने शौमिक को बोला, शौमिक तुम नीचे आओ। एंड आके ना शौमिक ऐसे सोफा सेट पे ही सो गए। ही वाज पायल, मुझे इतना नींद आ रहा है, आई कैन ओपन माय आईज। ही इज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे एंटी एलर्जी, आप देखेंगे जब लेते हैं ना टैबलेट, आपको बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस आता है। फिर मैं तो चिकन राइस एंड चिकन सब बनाया हुआ था, तो फिर मैंने शौमिक को बोला तुम सो जाओ। फिर मैंने शौमिक को खिला दिया एंड फिर मैंने शौमिक को बोला तुम जाओ नीचे जाके तुम सो जाओ। तो ही स्लेप्ट फ्रॉम आई थिंक सो 7:30 एंड वो नेक्स्ट दिन कल सुबह 9:30 को उठे। एंड उठने के बाद भी ना शौमिक बोल रहे पायल मुझे बहुत ड्राउजीनेस लग रहा था। तो कल उनका होल डे ऐसा ही था, पर ऑफिस था ना तो वो काम कर रहे थे। पर कल मैंने बहुत सारा कॉन्स्टेंटली आई वॉज मेकिंग टी फॉर हिम। एंड उसके बाद या शाम से वो फुल ठीक हो गए, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर कल शाम तक ही वॉज फीलिंग दैट ड्राउजीनेस। एंड बहुत जन आप लोग बोल भी रहते हैं कि बहुत ऐसा, किसी किसी का अलग अलग होता है, पर उनको ना यहाँ पे कुछ दर्द एंड ऑल नहीं हुआ, सिर्फ उनको बहुत बहुत सारा नींद आ गया उनको, मैं वही बोल सकती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:40 नहीं, टाइम हो रहा है 11:10। एंड अभी मैं जल्दी जल्दी बर्तन देती हूँ एंड उसके बाद मैं आप सबसे बात करती हूँ। तो फाइनली बर्तन देना हो चुका है एंड अभी मुझे मशीन चलाना है। एंड हाँ, ये है और एक ड्रेस, सभी मैं बोल रही हूँ ना ऑलमोस्ट सेम है, पर मुझे लगता है इस बार ना मैंने एक साइज बड़ा लिया है एक्चुअली सभी से। अभी आप लोग कैसे करके देखेंगे। एंड हाँ, आई वांट टू शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू। सी, इन माय व्लॉग्स ना जैसा चलता है मैं ऐसा ही दिखाती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट कि नहीं पायल तुम्हारे व्लॉग्स फेक लग रहे हैं? अगर आपको लगते हैं देन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट आई एम श्योर जो लोग मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, अगर आप मेरा कोई पुराना वीडियो भी जाके देखेंगे ना, यू विल से आई एम द सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज ना मुझसे ये फेक नहीं हुआ जाता है। जैसे उस दिन जब मैं राय को डॉक्टर दिखाने गई थी, तो मेनी ऑफ बहुत जन बोल रहे थे अरे पायल इसमें टेंशन का क्या बात है, तुम ज्यादा दिखा रही हो, ज्यादा कर रही हो, इट्स वेरी obvious, हम लोग जब ऐसे, इट वॉज ए नॉर्मल विजिट, मैं वही बोल के एंड मुझे वही पता था। आई थिंक सो ये 2 साल में कभी भी हम लोग को डॉक्टर ने नहीं बोला था कि आपको राय को एक टूथ निकालना होगा, जो अभी तक निकला भी नहीं है। तो डेफिनेटली एज ए पेरेंट्स वी विल गेट, हम लोग शॉक्ड हो जाएंगे राइट, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक प्रिपेयर होना अलग बात है, सडनली कोई आकर आपको कुछ बोले, वी विल गेट शॉक, इट इज वेरी ऑब्वियस। एंड मेरे व्लॉग में ना जो जैसा चलता है मैं वैसा ही दिखाती हूँ। वैक्सीन को लेकर भी बहुत जन बोल रहे थे अरे इतना नर्वस होने का बात किया। सी, इट डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल। शौमिक बोल रहे थे वहां पे जाके सम पीपल वर सो नर्वस कि वो लोग बेड पे सो गए कि नहीं हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा देर बाद जाके हम लोग वैक्सीन देंगे। सो इट डिफर्स। एंड यहाँ के अमेरिकन ट्रस्ट मी दे आर सो स्ट्रांग, बट बहुत जन बहुत डरते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग। तो बस मुझे वही बोलना था कि सी मुझसे ना ये फेक एंड ऑल नहीं होता है, जैसे मेरा मूड रहता है या जैसा मेरा सिचुएशन रहता है मैं वैसे ही बोलती हूँ। अगर मुझे इतना सोचना पड़े ना कि ओहो नहीं नहीं मैं कैमरा पे बोल रही हूँ और मैं थोड़ा फेक होके बोलती हूँ नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अरे निकालना है तो दांत निकालना है तो अभी निकाल दो, आई कांट डू दिस, आई एम सॉरी।
आई नो जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है, आई हैव दिस मच कॉन्फिडेंस दैट ऑल ऑफ यू विल एग्री एंड आप लोग सभी लोग बोलेंगे कि पायल तुम पहले भी जैसी थी अभी भी ऐसी हो. तो वही मुझे बोलना था कि डेफिनेटली आई थिंक सो एज ए ह्यूमन हम लोग सभी कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है कि मैं नर्वस होती हूँ इसलिए मैं स्ट्रांग नहीं हूँ. आई विल प्राउडली से आई एम ए वेरी स्ट्रांग लेडी. यू नो कोई भी सिचुएशन आए पहले हम लोग सब नर्वस हो जाते हैं, बट डेफिनेटली देन आई थिंक सो मैं नहीं हम लोग सभी वी कैन ओवरकम ए लॉट ऑफ टफ सिचुएशन. मेरे लाइफ में कितने कितने टफ सिचुएशन आए, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव ओवरकम एवरीथिंग. तो चलिए अभी खाना बनाते हैं. तो आज गोभी और गाजर दोनों को मिला के एक सब्जी बनाएंगे. एंड माय लिप्स ओ गॉड पता नहीं मैं इतना कुछ दे रही हूँ सब कहाँ पे जा रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. तो चलिए अभी गोभी को चॉप कर लेते हैं. पैन में मैंने ऑयल ले लिया है. तो ऑयल जब गर्म हो फर्स्ट मैंने उसमें हाफ टी स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों ऐड किया है. एंड उसके बाद मैं इसमें फाइनली चॉप अनियन ऐड करूंगी. अराउंड 1 मीडियम साइज अनियन को मैंने फाइनली चॉप किया था. एंड जब अनियन अच्छी तरीके से भून जाए तब हम लोग इसमें कैरेट ऐड कर देंगे. कैरेट एंड जो गोभी बंद गोभी वो ऐड कर देंगे. तो अभी हम लोग इसको थोड़ा भून के ना फिर कवर करके रख देंगे कुछ टाइम के लिए. एंड डोंट ऐड सॉल्ट नाउ. तो अभी ना आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरा डिशवॉशर चल रहा है. तो अभी ना हम लोग मैं इसमें ना अचार मसाला दूंगी. अराउंड मैं मे बी आई टेक मैं 1 टेबल स्पून अचार मसाला लूंगी. एंड थोड़ा पानी देके ना मैं मिक्सी में एक पेस्ट बना लूंगी. सी ऐसा होता है अचार मसाला. तो अगर आपके पास ये अचार मसाला नहीं है तो अचार तो मुझे लगता है सबके घर में होगा. तो थोड़ा अचार ना मिक्सी में थोड़ा अचार को ऐसा थोड़ा पानी के साथ ना थोड़ा पेस्ट बना लीजिए. एंड फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा. एंड आप लोग बहुत जन बोलते हैं पायल टाइटल में रेसिपी का नाम दो. ये बहुत सारे रेसिपी तो मैं खुद अपने मन से बनाती हूँ. अभी आप लोग ही बताओ ये आज का रेसिपी का क्या नाम होना चाहिए. बिकॉज दिस इज समथिंग जो आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड मैं बोलती रहती हूँ ना कुकिंग एक एक्सपेरिमेंट है. हम लोग कुछ कुछ ऐसा बना ही सकते हैं. एंड हाँ मैंने आज आप सबको नहीं दिखाया कि मैंने कितना वॉक किया. बिकॉज मेनी ऑफ यू गेट मोटिवेटेड एंड इट्स गुड यार. हम लोग जस्ट अगर आपके वहां पे सुबह है एंड यू सॉ दैट मैंने कितना माइल्स वॉक किया. एंड इफ यू फील लाइक डूइंग एक्सरसाइज देन जस्ट गो जस्ट डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करते वक्त ना जितना भी आपका काम रहे ना कुछ मत सोचिएगा. उसी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. दिस इज समथिंग जो मैंने श्रॉमिक से सीखा है. सी आई वॉक्ड अराउंड 3.9 माइल्स एंड अराउंड 8,400 स्टेप्स मैंने लिया है. तो चलिए अभी इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ. मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ अचार मसाला लिया है एंड थोड़ा पानी लेके ना इसको पेस्ट बना देंगे. एंड फिर अभी मैंने इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है एंड देन आई हैव एडेड द अचार मसाला का पेस्ट. तो अच्छी तरीके से अभी हम लोग भूनेंगे. एंड ऑलमोस्ट कैरेट एंड बंद गोभी पक चुका है तो मैंने इसमें फिर थोड़ा रेड चिली पाउडर थोड़ा हल्दी पाउडर एंड फिर सॉल्ट जरूर ऐड कीजिएगा. एंड एट द एंड ना मैं इसमें थोड़ा गर्म मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ. लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर लीव्स. बस रेडी हो गया है. टॉमिक टेस्ट करके बोलेंगे कैसा हुआ है. असली सही बोलना. नया अच्छा व्हाट अच्छा है कैसा हुआ है. व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक कर देता हूँ. ठीक कर देता हूँ. प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम. भुनना चीनी लगा. चीनी चीनी शुगर चाहिए क्या. अच्छा हुआ है. जो भी हुआ है अभी यही मिलेगा. लो ये मैं दे रहा हूँ. कैसा हुआ. सुपर. वो तो सब कुछ में ही अच्छा होता है.
शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं जो रोटी बनाती हूँ जो मैं उनको टिफिन पे देती थी वो ऐसा लाइक अब किसी को मार दिया ना तो लाइक गारंटी थोड़ा बहुत तो चोट लगेगा। इतना पत्थर के जैसे मैं हार्ट बनाती थी वो कभी भी कुछ नहीं बोलते थे। नहीं मैं ही टेस्ट करके बोलती हूँ। ओह माय गॉड मेरा लिप्स का हालत बहुत खराब है। बहुत टेस्टी हुआ है। शुगर मैं ऐड नहीं करूंगी। जो ये अचार मसाला है ना जस्ट ऐड 1 टेबलस्पून अगर आपके पास है। जो लोग यहाँ पे रहते यू माइट बी हैविंग इट। वो मेथी रहता है ना एंड फिर सरसों भी रहता है ना तो सब मिला के ना नहीं तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो जस्ट ऐड 1 टेबलस्पून। बेस्ट चीज अगर आपके पास अचार है ना मैं जैसे बोल रही थी थोड़ा मिक्सी में पेस्ट करके ऐड कर दीजिएगा। एंड हाँ आप लोग मुझे बताना ये रेसिपी का नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने दाल बिठाया था प्रेशर कुकर में एंड कभी कभी पानी निकल जाता है वो ही हुआ तो मुझे लगा कि चलो मैं किचन पोंछ देती हूँ। तो मैं पतला लाइक लाइट मसूर की दाल बना रही हूँ। लाइक तड़का में ना हम लोग सिर्फ गार्लिक देंगे तो उसके लिए मैं गार्लिक को फाइनली चॉप कर रही हूँ। तो ऑयल में मैंने दे दिया है गार्लिक एंड सूखी हुई लाल मिर्च। अगर आप चाहे तो ग्रीन चिली भी दे सकते हैं एंड फिर क्या दाल को ऐड कर देंगे। पर दाल ऐड करने के बाद ना मैं इसको उबालती हूँ फॉर अराउंड 10 मिनट्स एंड एट द एंड ना यहाँ पे मैंने थोड़ा अजवाइन लिया है जिसको अभी मैं कूट रही हूँ। तो हम लोग दाल में ना थोड़ा अजवाइन भी ऐड कर देंगे काफी अच्छा एरोमा आता है इससे। तो ऑलमोस्ट लंच रेडी हो गया है एंड अब से जैसे मैं बोल रही हूँ ना डेली आई मेक श्योर कि मैं कुछ वेजीज खाऊ एंड ट्रस्ट मी ये दिस इज अ नाइस फॉर्मूला। अभी ना मेरे फ्रिज में जैसे जल्दी जल्दी सारे वेजीज खत्म हो जाते हैं। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि वेजीज हम लोग लाते हैं फिर रह ही जाता है फ्रिज में स्पेशली जो लोग नॉन वेज खाते हैं। तो जैसे कि आज मैंने गाजर भी दिया फिर गोभी भी दिया एंड फिर दाल के साथ ना मैं सोच रही हूँ कि कॉलीफ्लावर भाजी है मैं वो बनाऊंगी। तो माइक्रोवेव पे मैंने ऐसा लाइक थोड़ा सॉफ्ट करने को दिया है 2 मिनट्स में हो जाएगा। देन वहाँ पे राइस हो रहा है सो नाउ द टाइम इज 1:30 एंड सिर्फ ना संडे तक ही एक्चुअली वेदर अच्छा था। देखिए क्या हो रहा है। इफ़ यू ऑल हैव एनी आइडिया लाइक प्लीज मुझे बताना। ये तो मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा भी ऐसा लग रहा है। पर या नाउ इट इज कोल्ड ठंडी है आज बट चलो कोई बात नहीं। देन ऑल्सो एटलीस्ट इट्स नॉट रेनिंग लाइक बारिश हो एंड इतना ठंडी हो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर खाना खाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि टाइम है मैं अपना लिविंग रूम साफ करूंगी। अभी ना और इतना लिविंग रूम है एंड ऑल इतना मेरा साफ करना होता ही नहीं है। पहले तो लगता है छोड़ो यार घर में तो कोई भी नहीं आएगा ये सोच सोच के और इतना ज्यादा लाइक मैं टिप टॉप नहीं रखती हूँ एंड टिप टॉप रखती भी हूँ तो शाम को यू नो सब लोग बैठ जाएंगे ऐसा ही फिर खराब हो जाता है। तो भाजी भी रेडी हो गया है एंड मुझे ना लाइक प्लेन दाल के साथ मैंने जो पतला मसूर की दाल बनाया ना उसके साथ सिर्फ ये भाजी दे दो मैं उसी से फुल राइस खा सकूंगी मुझे इतना पसंद है। एंड हाँ कोई मुझे कमेंट पे लिख रहा था कि पायल तुम जो शामिक को देती हो उनको और चाहिए तो क्या करते हैं कम नहीं होता है क्या। तो शामिक जब काम करते हैं ना उनको ना कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं रहता है तो इसलिए ना मैं सब कुछ एक साथ मिला के मैं उनको दे के आती हूँ कि एटलीस्ट वो खा तो लेंगे। लाइक जब वो ऑफिस पे भी जाते थे ना उनका लंच आवर यू नो एटलीस्ट एट 12:00 या 12:30 को मैं फोन करके बोलती थी लंच खा लेना लंच खा लेना। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो 3-4 बजे खाते थे किसी का रहता है ना। तो पैंडामिक के कारण मुझे लगता है कि हम सबका ये रूटीन थोड़ा तो चेंज हो ही गया है एंड अभी हम लोग उस रूटीन में एडजस्ट भी हो चुके हैं। नहीं तो पहले मैं हर वक्त मैं लिविंग रूम सुबह ही सब साफ कर लेती थी पर मैं अभी मैं जैसे बोल रही हूँ कि मैं डेली साफ नहीं करती हूँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत रोज आप लोग देखेंगे कि मेरा लिविंग रूम बहुत मेसी है।
एंड डाइनिंग टेबल पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो कैमरा का बहुत सारा छोटा मोटा सामान रहता है ना वही रहता है, नहीं तो भगवान के जो बर्तन है धोखे में रखती हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो कभी यूज ही नहीं होता है ये वाला। तो चलो आज एक तरफ से एक अच्छा काम हो गया। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने लिविंग रूम बहुत अच्छी तरीके से साफ किया है। एंड ये मैट ना मैंने क्रिसमस के टाइम, मुझे लगा था कि यू नो जैसे मैं थीम करती हूँ, एंड उसके बाद मैंने निकाला ही नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है ये मैट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, एंड एट द एंड ऑफ द डे और कौन ही आता है। तो लिविंग रूम आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने साफ किया है, पर ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। एंड हाँ, आप लोग सब लोग बोल रहे थे द पिक्चर इज सो अप, थोड़ा ऐसा नीचे होता, थोड़ा यू नो आई थिंक सो 1 इंच और नीचे होता तो काफ़ी अच्छा लगता देखने में। तो देखते ही देखते राय भी आ चुकी है। अच्छा हुआ मेरा सब क्लीनिंग एंड ऑल भी खत्म हो गया, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत खा लेंगे। तो राय आके, राय ने बनाया राय का फेवरेट बूंदी रायता। मैं बोलूंगी बूंदी तो एक बहाना है, राय को सिर्फ दही खाना है। It rhymed also, right? बूंदी तो एक बहाना है, राय को सिर्फ दही खाना है। And राय को देखिए, मैं बोल रही थी ना सी शौमिक अभी लंच खा रहे हैं, मैं उनके लिए ग्रीन टी लेके जा रही थी और फिर उन्होंने लंच ही नहीं किया। एंड ऑफिस में भी ऐसे करते हैं। फिर हम मैंने कत समय जिन गरम कर 30 सेकंड्स में कितना गरम होता है, बहुत गरम हो जाता है 30 सेकंड्स में। इट सीम्स इतना ज्यादा गरम हो जाता है ना, परफेक्ट माइक्रोवेव का जो कंपनी है वो लोग भी खुश हो जाएंगे, 30 सेकंड्स में गरम हो जाता है। ओह माय गॉड, मेरा लिप्स का हालत बहुत खराब है, की करूं अभी तो कुछ सब लग रहा है सब निकल के आ जाएगा। ओहो मैं लगाते चिल्लाम ना मामा मेरे बेटा। या पे कैन वी पुट एलोवेरा जेल? नहीं बाबा, मैं उनका बात सुन के मैं बहुत बार मैं सब फंस चुकी हूँ। एक बार मेरे आंख में कुछ हो गया था, फिर उन्होंने बोला वो लगा दो, एंड तो मैं तुम्हारे पास व्हाट कैन आई पुट एलोवेरा जेल? या मैं नहीं लगाऊंगी, आप लोग बता देना। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था दोपहर को हम लोग लंच खाएंगे, रात को हम लोग डिनर करेंगे। दोपहर को है, रात को बोलने का जरूरत ही क्या है? वो इतना यू नो जब मैं बोलती हूँ ना इतना ध्यान नहीं रहता है। तो वही मैं शौमिक को बोल रही थी कि राय स्कूल से आके ना राय और मैं एक साथ खाते हैं ना, तो राय लाइक बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। एंड राय जब स्पेशली छोटी थी ना तब मुझे इतना टेंशन हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि राय कभी ABCD भी राय को नहीं आएगा। लाइक इतना हम लोगों को टेंशन हो गया था, बिकॉज राय का प्री स्कूल वॉज मैं बोलूंगी वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस। लाइक US में भी इतना खराब वो प्री स्कूल था, जहां पे वो लोग सीरियस होके लाइक पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस करते थे ना शौमिक, एंड लाइक सीरियस होके पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस, दैट ऑल्सो शी इज ओनली 3 years old। लाइक इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड यू नो होता है ना, कोई कोई बच्चा थोड़ा यू नो ABCD नहीं आता है, वो नहीं आता है, फिर यू नो घर में जाके मैं परेशान। एंड अभी क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे इट्स अ फैक्ट कि जब आप इंटरनेट खोल के कुछ ऐसा सर्च करते हैं ना, देन यू विल कम टू नो ए लॉट ऑफ थिंग्स, एंड सभी खराब। जैसे कि अगर आप बोलेंगे हाथ में दर्द होता है, आप ऐसा लिखना कुछ खराब, पहले सब खराब ही आएगा। तो इतना मुझे डर लग रही लाइक लग गया था ना, फिर मुझे लग रहा था हे भगवान मेरी बेटी को क्या कभी ABCD भी नहीं आएगा।
बहुत ही खराब वो स्कूल था, पर हाँ एक चीज अच्छा हुआ था क्योंकि वो लोग ने इतना हम लोगों को डरा दिया था ना कि जब राय वेंट टू किंडरगार्टन शी वाज टोटली प्रिपेयर्ड, उसके टीचर तो अरे उसको प्लस माइनस सब कुछ आता है बिकॉज दैट स्कूल वाज डेंजरस था वो स्कूल. मुझे लगता है तीन साल चार साल के बच्चों को दे शुड हैव फन. वो बोलते है ना एक कुछ बोलते है ना मेंटल एडुकेशन या समथिंग, कुछ एक मोटर या मोटर स्किल्स वो उसमें थोड़े थोड़े करने चाहिए, पर ऐसा नहीं कि यू क्रिएट ए कैओस. तो अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना हंसी आता है ना, तो पता नहीं यार बच्चे कब क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो कुछ भी पता नहीं है. ऐसा छोटे बच्चे कैसे होते फ्रॉम दैट वी कैन एनालाइज एनीथिंग मैं बोलूंगी. एंड चलिए अभी मैं भी पीऊंगी ग्रीन टी एंड किचन को कर देते हैं टाटा बाय बाय. हैंड में बाद में आके करूंगी, अभी राय पढ़ाई करेगी. राय का तो इतना सारा होमवर्क रहता है, मैं अपना काम करूंगी. एंड शौमिक तो काम करते ही रहते हैं. एंड एक्चुअली कल ना मैं सोच रही थी मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊं, एक्चुअली वो वीडियो बनाया हुआ ही है, वो मैंने लास्ट वीक ही बनाया था. पर इन रेसिपीज वीडियो ना मुझे बहुत मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना बहुत टाइम चला जाता है, एनर्जी भी बहुत लगता है वॉइस ओवर करने में. एंड अभी मेरा लिप्स का कंडीशन इतना खराब है ना, आई कांट मैं ज्यादा टाइम के लिए बात नहीं कर सकती. कॉन्स्टेंटली बात करती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से लिप्स को मैं ऐसा गीला गीला करके रखूँ. आई ऑल्सो यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं. एंड हाँ मैंने सबके लिए नहीं बोला है, मैं पहले से ही बोल देती हूँ, पर मैं जैसे बोल रही हूँ ना जैसा जो चलता है मैं वो ही दिखाती हूँ. जैसे कि आज मेरा लिप्स में प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर मैंने होल वीडियो में बोला है. एंड कभी कभी हम लोगों का होता है ना अगर आपको कुछ अनइजी लगे तो वी कीप ऑन रिपीटिंग इट. एंड बहुत ज्यादा ठंडी है तो चलिए अभी आज के लिए मैं आप सबको बोलती हूँ टाटा बाय बाय. एंड मिलते हैं कल विद ए न्यू वीडियो. अंटिल देन कीप स्माइलिंग. लिप्स अच्छे नहीं है तो भी स्माइल तो कर ही सकते हैं. चलिए बाय बाय.